स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसका इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका ये 11वां एक्सरसाइज है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद एक वीडियो और आएगा और आपका ये इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने साइंस का जो भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर, चाहे मीन्स पॉलिटी हो, संविधान हो, लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और हिस्ट्री के भी जो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आते हैं, वो मैं पहले कंप्लीट कर लिया हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज 11वां। अगर आप उससे पहले वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लेना, सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में वो हेल्पफुल होगा। तो आज का हमारा पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मीन से फोकस रखा जाता है कि निरपेक्ष लाभ हो और तुलनात्मक लाभ दोनों हो, निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ दोनों हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री लाभ कमाए, दोनों को एक फिक्स रेशियो में लाभ होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख प्रणाली क्या है, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1995। डेट में पूछा जाएगा आपसे, 1 जनवरी को हुआ था वैसे, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में। एक चीज़ याद रखना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगा डब्लू से मीन्स वर्ल्ड, और लास्ट में ओ हो ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे होगा, जेनेवा। बस एकमात्र है वो एक वर्ल्ड मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करके है, उसका हेड क्वार्टर लंदन में है। तो बस आप लंदन वाला याद रखो, और जितने भी इस टाइप के हो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सारा हेड क्वार्टर कहाँ पे होगा, जेनेवा में होगा। तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है। मुक्त व्यापार का जब जिक्र किया जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, याद रखना, इसमें टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है कि आयात निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होगा। शुल्क होता है, ठीक ना, शुल्क होता है, पर क्या होगा, कोई जैसे इम्पोज एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगा, ऐसा नहीं होगा। तो आयात निर्यात तो होगा, टैक्स भी लगा होगा, पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, आप व्यापार कर सकते हो उसके साथ। तो यही होता है मुक्त व्यापार। और बंद एक पूछा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, या शून्य अर्थव्यवस्था। इसका मतलब हुआ कि आयात और निर्यात दूसरे देश के साथ बंद हो गया हो, या आयात निर्यात बंद हो गया होगा, उसे हम क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, या मीन शांत अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सुपर 301 क्या है, ये एक अमेरिकी संविधान में लिखा गया है, अमेरिका का व्यापार कानून है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि आयात पर वो उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है, आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। इसको कहा जाता है इम्पोज टैक्स करना, टैक्स इम्पोज करना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी वर्तमान में क्या हुआ था, चाइना और अमेरिका के साथ क्या हो रहा है, टैक्स वार चल रहा है, मीन्स बिजनेस को लेके लड़ाई चल रहा है। उसमें होता क्या है कि चाइना मान लो स्टील अमेरिका को भेजता है, तो अमेरिका ने में 30 रुपये वो मान लो बिकना है, डॉलर में बिकेगा वहाँ पे, लेकिन एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, तो 30 रुपये वहाँ पे बिकना है। तो और USA की कोई कंपनी है जो वहाँ पे स्टील क्या बेच रही है, वो भी 30 रुपये बेच रही है, और ये चाइना का मान लो 30 रुपये बिक रहा है, तो USA क्या करेगा, इस पर इम्पोज टैक्स कर दिया। तो ये मान लो 50 का बिक रहा है, और ये क्या होगा, USA की कंपनी वाली 30 की बिकेगी। तो कोई भी आदमी वहाँ का जो सिटीजन होगा वो प्रीफेयर क्या करेगा, 30 का खरीदेगा, जिससे USA कंपनी का बिकेगा और चाइना कंपनी का नहीं बिकेगा। तो इस कानून के अंतर्गत दूसरे देश का जो व्यापार होता है उसको ये हार्म कर सकता है। तो ये है सुपर 301, अमेरिका के व्यापार कानून में वर्णित है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, डंकल ड्राफ्ट क्या होता है। डंकल ड्राफ्ट होता है उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित है, उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित है डंकल ड्राफ्ट। ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है, ये वह स्थिति जब फॉर्म को ना तो लाभ होता हो ना हानि हो रहा हो, मीन जीरो कांस्टेंट पे वो चल रहा हो, उसे क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन कहा जाता है, ब्रेक इवन। आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। ये पॉइंट पूछ लिया जाता है, इस बार अगर मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करूँ तो पूछा गया था कि बैक ड्राफ्ट क्या होता है, बैक ड्राफ्ट। तो इसमें क्या होता है, आप सुने होंगे कि मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया, ठीक ना, लोन दिया और काफ़ी अधिक लोन दे दिया, जिससे उसका जो ब्याज होता है, टैक्स जो होगा वो भी वो पेड नहीं कर पा रहा है। तो टैक्स को चुकाने के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो
तो उसे ही क्या कहा जाता है, बैक ड्रैफ्ट में फंस जाना। इस कंसेप्ट को समझ लो कि टैक्स चुकाने के लिए या ब्याज चुकाने के लिए अगर लोन लेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, बैक ट्रैप में फंसना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी तक 2 साल में 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स में जो भी टर्म आते हैं उसको भी याद रखो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निर्यात मूलक इकाइयों में फॉर्म होता है जिससे आशा की जाती है कि वह उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात करती है। उत्पादन का बड़ा भाग क्या करेगा, निर्यात करेगा। आंसर होगा डी। ECGC किससे संबंधित है, ये होता है निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से, निर्यात बीमन और बीमा से। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। ट्रेड पॉइंट का स्थापना का क्या उद्देश्य है, ट्रेड पॉइंट होता है आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश। ट्रेड पॉइंट मतलब आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार पहलू TRIPS और व्यापार से संबंधित निवेश उपाय TRIMS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये होता है डंकन प्रस्ताव से। डंकन प्रस्ताव से नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार के बारे में क्या कहा जा सकता है, तो मात्रा व मूल्य दोनों बढ़ा है। नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार क्या हुआ है, मात्रा और मूल्य दोनों बढ़ा है। मीन्स हमारा क्या हुआ है, निर्यात में बढ़ोतरी हुई है पहले की तुलना में, फिर भी हमारा निर्यात कम होता है आयात अधिक होता है। भारत में नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा, केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा। यहाँ पे एक आसान सा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी भी देश के लिए कौन सा एक अच्छा पैमाना होता है, ठीक ना, उसमें रहेगा आयात अधिक होना, निर्यात अधिक होना। तो याद रखना, निर्यात अधिक हो और आयात कम हो किसी देश के मीन्स इकोनॉमिक दृष्टिकोण से वो क्या होता है, अच्छा होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सपोर्ट क्या हो, अधिक हो और इम्पोर्ट कम हो, मीन्स सामान अधिक हम बेचेंगे और खरीदेंगे कम, ये क्या होगा, किसी देश के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किन 2 वर्षों में भारत में व्यापार संतुलन अनुकूल रहा, ये था 1972 से 73 एवं 76 से 77 तक। विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये क्या है, आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है, आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है। आंसर क्या होगा, डी। योजना विधि में कितनी बार भारत का विदेशी व्यापार शेष अनुकूल रहा है, तो अभी हम देखे हुए थे 2 बार रहा था, 2 बार। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विलिटी फंड किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था, यह था वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। आंसर है यहाँ पे ए। इंडिया ब्रांड इक्विलिटी फंड की स्थापना कब की गई थी, यह किया गया था 1996, 1996। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है, यह है 1% से अधिक, 1% से अधिक। यहाँ पे 1% ही बहुत मायने रखता है क्योंकि कई ट्रिलियन में बिजनेस होता है, तो यहाँ पे 1% से अधिक क्या होता है, इंडिया का प्रतिशत है उसमें। भारत को सबसे अधिक निर्यात कौन सा देश करता है, चाइना, चाइना करता है, उसके बाद USA, ये सब कंट्री है। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है, तो किससे होता है, सॉफ्टवेयर से, वर्तमान में सॉफ्टवेयर से होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सॉफ्टवेयर ना हो तो आप रत्न रत्न और आभूषण पे टिक लगाओगे, रत्न और आभूषण पे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। जल में, यहाँ पे आंसर सॉफ्टवेयर होगा, पर अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो रत्न और आभूषण पे टिक लगाना। हाल में निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है, कौन से डिपार्टमेंट में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिला है, तो वो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को, और साथ ही सिलिकॉन वैली है कहाँ पे, पैसिफिक में, तो वो है USA में, USA के ट्रांस साइबेरियन में एक जगह है सिलिकॉन वैली, वहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर कंपनी IBM लगाया गया था, IBM। यहाँ से आपको प्रश्न याद क्या रखना है कि सबसे पहला कंप्यूटर कंपनी कौन सा था, तो IBM। ये कहाँ की कंपनी है, तो USA की। ये कहाँ लगाया गया था, तो सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में, यानी तो USA बोलोगे। और वास्तविक में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो USA में है,
इंडिया का सिलिकॉन वैली कौन है? तो बेंगलुरु है। इतना सारा प्रश्न याद रखोगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? ये हम किसके साथ करते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। समुदाय संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? ये होता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? चमड़ा का निर्यात हम कौन से देश के साथ सबसे अधिक करते हैं? तो इंग्लैंड के साथ। यूरोप के साथ काफ़ी अधिक व्यापार होता है हमारा। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? सर्वाधिक योगदान होगा कपड़ा और आभूषण में। देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं लिखा है तो क्या करेंगे हम, रत्न और आभूषण। भारत की कृषि नगदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। कहाँ से ये प्राप्त होगा? तो चाय से। आंसर क्या होगा? सी, चाय और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा, कौन सा उत्पादक देश होगा? तो ब्राज़ील। कॉफ़ी और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील का राजधानी कहाँ पर है? ब्राज़ीलिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत कौन से वस्तु का इनमें से निर्यात करता है? चाय का। और ये सारी वस्तुएं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, उर्वरक, ये सब क्या करता है? आयात करता है, खरीदता है। किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों में विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है? वो है टेक्सटाइल। आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। 1950 में विश्व निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था, वर्तमान में यह प्रतिशत कितना हो गया है? ये हो गया 1.5%। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? किसका आयात हम नहीं करते हैं? तो मूल रसायन का आयात नहीं करते हैं। हाल के वर्षों में भारत में आयात का सबसे बड़ा मद कौन सा है? सबसे अधिक आयात हम किसका करते हैं? पूंजीगत वस्तुएं और पेट्रोलियम पदार्थ का। देखो पेट्रोलियम पदार्थ इंक्लूड करना ही है, साथ में पूंजीगत वस्तु या रॉ मटेरियल का। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात होता है? अभी हम पढ़े थे पेट्रोलियम के साथ होगा, तो सबसे अधिक व्यापार किसके साथ हम लोग करेंगे? तो ओपेक। अच्छा, ओपेक का फुल फॉर्म बताओ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑयल से रिलेटेड है, ठीक ना? अब बता दो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, विकासशील देश और विकसित देश में क्या डिफरेंस होता है? मीन्स देखो, विकासशील देश होगा जहाँ के लोग, ऐसे समझना, जहाँ के लोग का जो इनकम करने का पर्पस होगा वो होगा घर बनाना, मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करना, जैसे खाना पेट भरना, एजुकेशन, घर बनाना, ये सब। और विकासशील और विकसित देश जो होगा उसका ये रिक्वायरमेंट नहीं होगा, घर उसको पहले से ही होगा, खाना के लिए कोई सोचना नहीं पड़ेगा उसको, मीन्स वो वेलफेयर के लिए काम करेगा। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, याद रखना, हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में। तो इंडिया क्या है? विकासशील देश है। चाइना भी विकासशील देश है, जबकि यूएसए या यूरोपियन कंट्री क्या है? वो सब विकसित देश है। वस्त्रों की रंगाई में एजो आधारित रंगों के उपयोग के कारण किस देश ने भारत में टेक्सटाइल आयात बंद करने की घोषणा कर दी है? ये कौन सा हो जाएगा? जर्मनी। आंसर है यहाँ पे बी। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? दाहेज। आंसर क्या होगा? डी। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ आता है? ये आता है ओपेक। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? ओपेक से। सबसे अधिक हम लोग क्या करते हैं? तेल ही निर्यात करते हैं, इसीलिए सबसे अधिक बजट कहाँ जाएगा? तेल निर्यात ओपेक कंट्री को। क्या रसिया ओपेक का पार्ट है? नहीं है, लेकिन फिर भी ओपेक का जो मीटिंग होता है उसमें रसिया पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि तेल का जो मीन्स मूल्य निर्धारित करने की जो कैपेसिटी होती है या फिर उसमें उनका भी भाग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रसिया ओपेक का पार्ट है? तो नहीं है, वो उसका सदस्य नहीं है, पर क्या होता है जब कोई सम्मेलन होगा तो उसमें वो भाग लेगा। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? सबसे अधिक किस पे करेगा? पेट्रोलियम पदार्थ। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो सुपर 301 के कारण भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अप्रभावित रहता है, मीन्स प्रभावित नहीं रहता। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे साथ वो रिलेवल करता है, मीन्स टैक्स अधिक नहीं बढ़ा के रखता। भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है, भारत के साथ पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ होता है, आसानी से टिक कर पाओगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर यहाँ पे मीन्स यूरोपियन कंट्री दे दे तब यूरोपियन पे टिक लगाओगे, क्योंकि यूरोपियन एक कॉन्टिनेंट हो जाता है और ये एक प्रॉपर देश है, तो उससे हम अधिक व्यापार करते हैं। लेकिन अगर सब सेपरेट देश की बात करें तब हम संयुक्त राज्य अमेरिका पे टिक करेंगे। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किन देश के तर्ज पर की गई है, ये किया गया है चीन के तर्ज पर, चीन के तर्ज पर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं, यह है सात। सात। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थित है, यह नोएडा में, नोएडा। निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, ये कहाँ नहीं होगा, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है, यह विप्रो। विप्रो आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, विप्रो के चेयरमैन कौन है, ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ये मीन्स ऑर्थो ये मानवा कल्याण के लिए काफ़ी खर्चते हैं, मीन्स कैंसर का हॉस्पिटल या फिर इसमें बहुत खर्चा करते हैं वो, विप्रो के जो संस्थापक है, तो उनका नाम जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मानव कल्याण के लिए अधिक खर्चा करेगा उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, ये भी वर्ड याद रखिएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया, ए पर्सन हु स्पेंड ऑन मीन्स वेलफेयर, उसको क्या कहेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे। तो जो विप्रो के चेयरमैन है वो क्या है, एक फिलेंथ्रोपिस्ट है। निम्नलिखित में से कौन से संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करता है, तो कौन सा है जो भारत का आयात निर्यात को प्रभावित करेगा, वो होता है आयात निर्यात बैंक और राष्ट्रीय खाद्य निगम, ये दोनों क्या करता है, प्रभावित करता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। दक्षिण विनियोग व्यापार और तकनीक आंकड़ा विनिमय केंद्र सिटकेक निम्नलिखित में से किसकी योजना है, ये किसकी योजना हो जाएगी, तो G15 का। G15 का, G7 से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, G7 में रशिया मेंबर नहीं था, मीन्स में रशिया मेंबर था फिर उसको हटा दिया गया, तो G8 था, G7 हो गया। अभी वर्तमान में G7 में इंडिया को बुलाया गया है, फ्रांस, फ्रांस में इस बार G7 का मीटिंग होगा, तो इंडिया को बुलाया गया है, इसीलिए अभी G7 का अगर कोई सम्मेलन हो या कुछ भी हो तो आप इम्पोर्टेंट याद रखना, क्योंकि G7 जो है सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री जो है उसका, ये ग्रुप 7 उसका मेंबर है। टोटल दुनिया का 58% जो एक करेंसी है वो इसी के पास है, इसी मेंबर के पास है, तो सबसे अच्छी मीन्स ग्रुप मानी जाती है ये, तो इंडिया इसमें भाग लेगा तो ये इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, तो इससे रिलेटेड सारे प्रश्न आप याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारा, देश की आयात निर्यात नीति के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण को कब से समाप्त कर दिया गया, ये समाप्त कर दिया गया 1 अप्रैल 2001 से, 1 अप्रैल 2001 से। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यातक प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, यह स्थापित किया गया सूरत में। सूरत में नए गेट समझौते के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था को कितने वर्षों में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था की गई है, 10 वर्षों में। 10 वर्षों में गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिल्ट एट बाजार है सोना चांदी से, सोना चांदी सराफा से गिल्ट बाजार, गिल्ट एट बाजार किससे संबंधित है, सोना चांदी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलिएगा उसको। नेक्स्ट है आपका, कालीनों के निर्यात के संदर्भ में कालीन चिन्ह किस तथ्य का मीन्स प्रदर्शित करता है वो, तो ये घोतक होता है कि वस्तु बनाने में बाल श्रम का उपयोग नहीं हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। यदि सूरत में बनी वस्तुएं बम्बई मुंबई या दिल्ली में बेची जाती है तो वह क्या होगी, प्रादेशिक व्यापार होगा, प्रादेशिक व्यापार होगा। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गया तो प्रादेशिक, एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहाँ स्थित है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको, नई दिल्ली में है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्था कहाँ है, न्यू दिल्ली में है।
भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? यह है निर्यात का विविधीकरण। नेक्स्ट है आपका नामा NAMA 11। देशों का समूह निम्नलिखित में से किस एक मामले के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आता रहा है? तो ये होता है विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? तो ये अभी हम पढ़े थे, अंतर्राष्ट्रीय एक ये मंच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यापार किया जाता है देशों का। तो गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है गेट का तात्पर्य क्या होता है? गेट का तात्पर्य क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिप्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिप्स ऑन ट्रेड। टेरिप क्या होता है? वही टैक्स जो लगाएगा उसे टेरिप कहा जाता है। भुगतान संतुलन में निहित होता है, भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, ऋण और अदृश्य व्यापार सब कुछ होता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी रूप से स्टार्ट हुआ? तो 2003 में, 2003 में। भारत में FERA का स्थान किसने ले लिया? तो ये ले लिया फेमा ने, फेमा स्थापना फेमा का इम्पोर्टेंट है 2003। तो टोटल यहाँ पे 59 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और आपका इकोनॉमिक्स का एक वीडियो और आएगा। एक्सरसाइज 12 मैंने कंप्लीट कर लिया है, एक्सरसाइज 13 बचा हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं। अगर आप वो सारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।